हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SS टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपना पर्स या फिर ATM कार्ड कहीं घर में ही रख के भूल जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा ATM कार्ड खो गया या फिर चोरी हो गया, और हड़बड़ी में हम अपने ATM कार्ड को ब्लॉक करा देते हैं। जब आप अपने डेबिट कार्ड को एक बार ब्लॉक करा देंगे तो दोबारा से यदि आपका वो डेबिट कार्ड आपको मिल भी जाता है तो आप अपने उस डेबिट कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे, आपको एक नया डेबिट कार्ड मंगाना ही पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों को इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बताऊंगा। यदि आपका ATM कार्ड घर में ही आपके कहीं खो जाता है और आपको ये कंफर्म नहीं है कि आपका ATM कार्ड चोरी हुआ है या फिर खो गया है या फिर आप घर में ही कहीं भूल गए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ATM कार्ड को लॉक कर देना है। लॉक करने से फायदा ये होगा कि यदि आपका ATM कार्ड कोई चोरी भी कर लिया होगा तो व्यक्ति आपके ATM कार्ड से किसी भी तरह का गलत छेड़खानी नहीं कर पाएगा या फिर आपके ATM कार्ड से किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। और जब आपको आपका ATM कार्ड मिल जाए तब आप अपने उस ATM कार्ड को अनलॉक कर लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपको दोबारा ATM कार्ड मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि आपका ATM कार्ड चोरी हो गया है, उसके बाद ही आप अपने ATM कार्ड को पूरी तरह से ब्लॉक कराइए, नहीं तो आप अपने ATM कार्ड को केवल लॉक करके रखिए ताकि आपका ATM और आपका अकाउंट दोनों बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो चलिए देखते हैं कि इंडियन बैंक के डेबिट कार्ड को लॉक या फिर अनलॉक कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में इंडियन बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इंडो एसिस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और उसमें फिंगरप्रिंट या फिर लॉगिन पिन डालकर लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इंडो एसिस एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। वैसे तो इसके होम पेज पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड को केवल लॉक करना है। तो इसके लिए यहाँ देखिए एक ऑप्शन है कार्ड्स, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ कार्ड में भी दो ऑप्शन है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। हमें यहाँ से डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करना है। यहाँ लिखा है प्लीज सेलेक्ट, इसमें क्लिक करके यहाँ से हम अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेबिट कार्ड का नंबर शो हो जाएगा। इसे हम एक बार इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा डेबिट कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, इस साइड दिया है अनलॉक और इस साइड दिया है लॉक। हमें लॉक करने के लिए एक बार इस पर इस तरीके से क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें डालना है इंडो एसिस एप्लीकेशन का MTPIN। लॉगिन करने के लिए लॉगिन पिन अलग होता है और किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करने के लिए MTPIN होता है। MTPIN डालने के बाद यहाँ नीचे से सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया डेबिट कार्ड हैज बीन लॉक्ड सक्सेसफुली, यानी हमने यहाँ पे अपने इंडियन बैंक के डेबिट कार्ड को लॉक कर दिया है। यदि हम ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ जो पहले अनलॉक था अभी लॉक हो गया है, यानी ये गोला लॉक की तरफ चला गया है और ये ब्लू कलर में हो गया है। यदि किसी व्यक्ति ने हमारे इस डेबिट कार्ड को चोरी भी कर लिया है तो वो व्यक्ति हमारे इस डेबिट कार्ड का किसी भी तरह का यूज नहीं कर सकता है, ना तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, ना तो ATM मशीन से पैसे निकालने में। यदि मान लीजिए हम अपने घर में ही इस डेबिट कार्ड को रख कर कहीं भूल गए हैं और वापस से हमें ये डेबिट कार्ड मिल जाता है तो हमें क्या करना है, फिर से इंडो एसिस एप्लीकेशन में लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद यहाँ डेबिट कार्ड वाले सेक्शन में आना है और यहाँ जो अनलॉक या फिर लॉक लिखा है इसे हम इस तरीके से अनलॉक कर देंगे। अनलॉक करने के लिए फिर से हमें यहाँ पे MTPIN डालना है। MTPIN डालकर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। देख सकते हैं OTP ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। अब यहाँ नीचे लिखा है सबमिट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये डेबिट कार्ड सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। ओके पे क्लिक करते हैं। जो पहले ये गोला लॉक की तरफ था वो भी ब्लू कलर में था, अभी अनलॉक की तरफ हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी अपने डेबिट कार्ड को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।